लोग का स्वागत है और मंडे आ चुका है दोस्तों, गर्मा गर्म टेक न्यूज आज भी लेके आ गया हूं। और चिकने कौन है बे? नंगा लग रहा है एकदम यार, ऐसा लग रहा है मैं टकला हो गया सच में। मतलब बड़े दिनों बाद, महीनों बाद हमने शेव किया, मेरी बेटी तक मुझे पहचानी नहीं, लेकिन एनीवेज अपनी खेती एक कभी भी लौट के आ जाएगी, लेकिन आप मुझे चिकना मत। एनीवेज दोस्तों, सब कुछ बदल रहा है, सेटअप बदल रहा है, हम भी बदल रहे हैं, मतलब ये हो रहा है, मैं तो वैसे ही रहूंगा, लेकिन हमारे इंडियन फ्लैग को हम कैसे चेंज नहीं करेंगे। मैंने सोचा हमारे पुराने वाले फ्लैग को हटा के हमने नया फ्लैग लेके आ गए, ये कैसा लगा दोस्तों आप मुझे जरूर से बताना। एक और बड़ा वाला भी लाया हूं जो धीरे धीरे हम आगे वीडियोस में बदलते रहेंगे। गर्मा गर्म टेक न्यूज़ है दोस्तों, आज तो बड़ी खुशखबरी के साथ में लेके आ गया हूं। सुबह में हमने अपकमिंग वीडियो डाला था, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लेना, फरवरी में धमाल होने वाला है। वीडियो पसंद आएगी दोस्तों लाइक करना और फटाफट से आज की टेक न्यूज शुरू करते हैं। तो मेरी खबर की बात करते हैं, शुरुआत करते हैं यहां पर इसरो से। जब भी दोस्तों हम इसरो की बात सुनते हैं या कहीं पर भी न्यूज में देखते ना, तो वाकई में हमारा सीना एकदम चौड़ा हो जाता है, क्योंकि वाकई में इंडिया में दोस्तों इस फील्ड में हम बहुत ज्यादा प्रोग्रेस कर रहे हैं। अब गगनयान का जो मिशन है 2022 में जो होगा, इंडिया से हम गगनॉट्स यानी कि एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजेंगे। चार लोग तो ऑलरेडी शॉर्टलिस्टेड हो चुके हैं, रशिया में ट्रेनिंग होगी, नासा भी हेल्प कर रहा है, और अब फ्रांस की एक बहुत ही बड़ी स्पेस एजेंसी है CNES, उनके अंडर उनकी एक सब्सिडियरी है नोव स्पेस, वो इंडिया के जो एस्ट्रोनॉट्स होंगे उनकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। यानी कि दोस्तों जो एयर जीरो ग्रेविटी होता है उसमें कैसे मूव करना है, उस टाइम पर अगर हेल्थ पर कोई इफेक्ट होता है उसको कैसे टैकल करना है, फिटनेस से रिगार्ड हर एक चीज पर अब यहां पर CNES जो वो ध्यान देगा। मेरे ख्याल से ये बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है हम सभी लोगों के लिए, क्योंकि वहां पर जाना कोई आसान बात नहीं है, बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन होता है, लाइफ हम दांव पे लगा के जाते हैं, लेकिन अब बड़े बड़े जगहों से हमें हेल्प मिल रही है ताकि हम जो गगनॉट से इंडिया से जाएंगे वो और एक्सपर्ट हो जाएंगे इस मामले में। वैसे क्या ख्याल है दोस्तों आपका गगनयान मिशन के बारे में, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो यहां पर दोस्तों एप्पल की तरफ से खबर आ रही है, और iOS एप्पल के फोन्स में, आईफोन्स में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये वर्ल्ड का सेकंड मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब दोस्तों बताया जा रहा है कि WWDC 2020, हर साल एप्पल का ये इवेंट होता है, 2019 का भी हुआ था जहां पर iOS 13 आया था, 2020 में ऐसा बताया जा रहा है, एक रिपोर्ट निकल कर आ रही है कि जो iOS 14 आएगा, जो जो डिवाइसेस में पहले 2019 के अंदर iOS 13 आए थे उन्हीं में आपको iOS 14 का अपडेट मिलेगा। अच्छी खबर है कि ऑलरेडी जो लोग iOS 13 यूज कर रहे हैं उनको होप है कि हाँ हमारे फोन में अब iOS 14 भी आएगा, ऐसी रिपोर्ट यहां पर निकल कर आ रही थी। यानी कि आईफोन 6 सीरीज और उसके ऊपर जो भी फोन्स होंगे उन सब में आएगा, जो जो कंपेटेबल से जो ऑलरेडी चल रहे iOS 13 पे, और iPad के भी कुछ यहां पर iPad से जिनमें यहां पर बताया जा रहा है। तो अच्छी बात है कि iOS 14 की खबर अभी से यहां पर निकल कर आ रही है और काफी सारे फोन जो कंपैटिबल हैं उनके बारे में भी पता चल गया है। वैसे क्या ख्याल है दोस्तों Apple के iOS 14 और iPhone 12 वगैरह के बारे में, वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो यहां पर दोस्तों Oppo की तरफ से खबर आ रही है, और Oppo कैसे पीछे हट सकता है जब Realme और Xiaomi अपनी पेमेंट सर्विस या लोन वगैरह देने की सर्विस इंडिया में लेके आए हैं। Oppo यहां पर बताया जा रहा है कि इंडिया में कैश, KASH, जी हां Oppo कैश करके ये जो सर्विस है वो इंडिया में यहां पर लेके आएगा, जहां पर आने वाले समय में Oppo के बहुत सारे फोन्स होंगे उनमें आपको ये प्री इंस्टॉल्ड मिलेगा, जहां पर इसमें आपको लोन्स वगैरह मिलेंगे प्लस UPI सिस्टम भी देगा ताकि इसके थ्रू आप पेमेंट्स वगैरह भी कर सकते हैं, और बहुत सारे फीचर्स आपको इसमें मिलेंगे नॉर्मली जैसे कि Realme पैसा और ये हमारा Xiaomi वाला जो है। तो हां Oppo भी इस फील्ड में आ रहा है, मुझे लगता है बहुत सारी कंपनी अभी अपनी खुद की ऐसी सर्विस लाएंगी और प्री इंस्टॉल्ड ऐप आपको प्रोवाइड करेगी। वैसे क्या आपको इंटरेस्ट है Oppo के इस कैश वाले ऐप में, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो यहां पर दोस्तों Redmi की तरफ से खबर आ रही है, और Redmi का एक नया स्मार्ट वॉच, जी हां अभी तक तो ग्लोबली हमें ये देखने को नहीं मिला है और ना ही चाइना में देखने को मिला है, ये बताया जा रहा है कि इंडिया के BIS सर्टिफिकेशन पर लिस्ट हो चुका है, इंडिया के BIS सर्टिफिकेशन पर लिस्ट हुआ। जी हां सुधांशु अंबोरी ने ट्वीट किया था इसके बारे में, इसका मतलब Redmi स्मार्ट वॉच इंडिया में आएगा और बहुत ही जल्दी हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि BIS पर कोई चीज अगर इंडिया की लिस्ट होती है ना तो वो बहुत ही जल्दी आ जाती है। अब पता नहीं ये क्या है, पहले शायद इंडिया में आ जाए, भरोसा नहीं, लेकिन एक और चीज Redmi का स्मार्ट ब्रेसलेट या फिटनेस बैंड, ये भी यहां पर जो वो Vivo पर एक पोस्ट आया था पता चल रहा है कि Redmi उस पर भी काम कर रहा है। तो स्मार्ट ब्रेसलेट या फिटनेस या फिर स्मार्ट वॉच, ये सारी चीजें हमें Redmi की तरफ
तरफ से अलग से देखने को मिलेंगी, क्योंकि ऑब्वियसली एक इंडिपेंडेंट ये ब्रांड बन चुका है, चाइना में तो ऑलरेडी इंडिपेंडेंट हो चुका है, इंडिया में अभी होना बाकी है। लेकिन वैसे क्या ख्याल है दोस्तों रेडमी के इन चीजों के बारे में और क्या एक्सपेक्ट करते हैं आप रेडमी से, वो आप मुझे खुलेआम नीचे कमेंट में बता सकते हैं। तो यहां पर दोस्तों पोको की तरफ से खबर आ रही है और आज की सबसे बड़ी खबर, सबसे अच्छी और सबसे गर्मा गर्म ताजा खबर यही है दोस्तों कि पोको एक्स टू फाइनली ये नाम कंफर्म्ड हो चुका है ऑफिशियली। पोको इंडिया का जो ऑफिशियल पेज है उन्होंने वहां पर इसको डाल दिया है खुलेआम और लॉन्च डेट भी निकल कर आ चुकी है, बहुत ही नजदीक है। जी हाँ, 4 फरवरी को इंडिया में पोको का X2 जो वो लॉन्च होने वाला है और फ्लिपकार्ट पर पूरा लैंडिंग पेज आ गया है, थोड़े बहुत स्पेक्स भी यहां पर निकल कर आ चुके हैं। यहां पर सबसे पहले देखेंगे इसमें, हमें ऐसा लग रहा है कि आपको इसमें कूलिंग सिस्टम मिलेगा जो देख के खुशी हो रही है, और नीचे फोन भी आपको दिखाई दे रहा है जहां पर आप टाइप सी पोर्ट 3.5 mm जैक और स्पीकर आउटपुट आपको दिख रहा है। ऊपर देखेंगे यहां पर सेंसर की बात की जा रही है 6 और वो जो 2 दिखा रहा है वो 8 लग रहा है और 6 यानी कि IMX686 वाला आपको सेंसर मिलेगा, क्वालकॉम वाला आपको प्रोसेसर मिलेगा और उसके बाद आपको रिफ्रेश रेट की बात की जा रही है, मतलब बहुत ही स्मूथ रिफ्रेश रेट होगा, मुझे लगता है 120 हर्ट्ज वाला रिफ्रेश रेट होने वाला है, बहुत ही सिमिलर लग रहा है अगर हम उसको रेडमी K30 के 4G वेरिएंट से कंपेयर करते हैं। हाईएस्ट पॉसिबिलिटी यही है दोस्तों कि शायद ये रीब्रांड वर्जन बनके रेडमी K30 का इंडिया में पोको X2 के नाम से आ सकता है। बस सबसे बड़ा कंसर्न ये, इट डजंट मैटर कि वो रीब्रांड है, लेकिन बड़ा कंसर्न ये कि प्राइस यहां पर इसकी क्या होती है, ये तो जब आएगा मैं आपको बताऊंगा। मेरे पास थोड़े दिनों में आ जाएगा फोन, थोड़ी हरकत हम करेंगे तो उसके लिए आप जरूर से स्टे ट्यून करना। यहां पर दोस्तों इंडिया के अंदर हम सभी लोग 5G का वेट कर रहे हैं, 5G नेटवर्क का वेट कर रहे हैं, 5G स्मार्टफोन्स का वेट कर रहे हैं, लेकिन अभी भी एग्जैक्ट टाइमलाइन नहीं है कि भाई इंडिया में 5G कभी आएगा, 2020 की मिड में, 2020 की एंड या फिर 2021 फाइनल डेडलाइन। कंपनीज ना एकदम ऐसा घोड़े पे खड़ी है कि बस हमको 5G फोन लाना है, लेकिन नेटवर्क ही अवेलेबल नहीं तो हम उसका कैसा इस्तेमाल कर सकेंगे। एनीवेज अब बताया जा रहा है, एक रिपोर्ट आ रही है कि 4G स्मार्टफोन्स जब नए नए लॉन्च हुए थे और अब जब 5G आएंगे इन केस इंडिया में तो वो 60% ज्यादा एक्सपेंसिव होंगे 4G स्मार्टफोन से, ये कुछ ज्यादा ही हो गया क्योंकि चाइना में जब 20,000 की रेंज में 5G मिल रहा है, ग्लोबली सही प्राइस पर जा रहा है, तो इंडिया में हम उसका पैसा ज्यादा क्यों दे। दूसरी बात ये दोस्तों कि जो 5G कंपोनेंट्स है ना, क्वालकॉम ने ऐसा बताया, वो ज्यादा एक्सपेंसिव है। ऑब्वियसली कंपनी जब अपने फोन में इसको लगाएगी तो वो ज्यादा महंगा पड़ेगा, तो फोन की प्राइस भी 60% ज्यादा वो लोग बढ़ा सकते हैं, ये एक चीज यहां पर निकल कर। हालांकि मीडियाटेक का जो 800 डायमेंसिटी वाला है या स्नैपड्रैगन 765 उसमें इंटीग्रेटेड है तो सेपरेट मॉडेम नहीं लगाना तो उसके लिए अलग खर्चा नहीं है, लेकिन फिर भी 865 और तो दूसरे 5G प्रोसेसर है उनमें आपको सेपरेट लगाना पड़ेगा 5G मॉडेम। देखते हैं दोस्तों, अब मुझे लग रहा है कि अगर ऐसा होगा तो शायद 5G की फोन जो खरीदार है वो इतने ज्यादा इंडिया में नहीं होगी, हम हमारे 4G से ही खुश है। वैसे क्या ख्याल है दोस्तों 4G 5G कमेंट करके बता सकते। तो यहां पर दोस्तों Realme की तरफ से खबर आ रही है, इतनी सारी खबरें दे दी है, Realme को हम कैसे मिस कर सकते हैं। RMX2063, RMX2021 USFCC सर्टिफिकेशन पर लिस्ट होकर आ चुके हैं। फिलहाल के लिए कुछ नहीं पता कि ये कौन से स्मार्टफोन्स होंगे, पूरी दुनिया में यहां वहां हर जगह पर Realme के फोन्स लिस्ट हो रहे हैं। पहले RMX2020 जो कुछ सिंगापुर, बैंकॉक और इंडिया में भी सही कहीं पर लिस्ट हुआ था वो था Realme का C3S, और उसके बाद फिर RMX2040 वो कंफर्म्ड हो गया था Realme 6i। ये दोनों फोन कौन से हमें कुछ नहीं पता। वैसे स्पेक्स वगैरह कुछ खास नहीं है, बताया जा रहा है कि 4000 से ज्यादा आपको एमएच की बैटरी मिलेगी, कलर वे 7 होगा और वगैरह वगैरह। लेकिन एक चीज दोस्तों आपको मैंने पहले बताया था आज की सुबह की वाली वीडियो के अंदर कि Realme का एक नया फोन आएगा 15000 के नीचे जो आपको फरवरी में इंडिया में मिलेगा। टेक न्यूज़ आपका बहुत बड़ा सोर्स है दोस्तों, जहां पर मैं एक्सक्लूसिव खबरें छोड़ता रहूंगा और आपको बस उसको पकड़ना है। क्या आपको पता है दोस्तों एप्पल लीसा ये वर्ल्ड का पहला कमर्शियल अवेलेबल होने वाला कंप्यूटर था जो 1983 में एप्पल ने इसको अवेलेबल कर दिया था, साथ में GUI यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस था उसमें एक माउस और एक कीबोर्ड के साथ में। जी हाँ, तो आज की टेक न्यूज़ से खत्म होती है, उम्मीद करता हूं आपको आज की टेक न्यूज़ पसंद आएगी। अगर आपको पसंद है तो जरूर इस वीडियो को लाइक करिए, मैं से आप लोगों के लिए डेली टेक न्यूज़ लाता रहूंगा, आप लोगों को ऐसे ही अपडेट करता रहूंगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, एक नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग। एकदम चौड़ा हो जाता है, गर्व से भर जाता है, क्योंकि क्योंकि